एक मजा हुआ एक्टर वो होता है जो पर्दे पर अपनी खुद की पहचान को भुलाकर अपने द्वारा निभाए किरदार को कुछ इस तरह जीवंत करता है कि वह किरदार ही उसकी पहचान बन जाता है, फिर चाहे वो फिल्म हो या टेलीविजन। 80 और 90 के दशकों में दूरदर्शन पर ब्योमकेश बख्शी और करमचंद जैसे कुछ ऐसे ही क्राइम और सस्पेंस पर आधारित धारावाहिक प्रसारित हुए थे, जिनके मुख्य किरदार को निभाने वाले एक्टर्स दर्शकों को हमेशा असल किरदार ही लगते थे। वहीं बात आज के दौर की करें तो सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले शोज सीआईडी और क्राइम पेट्रोल के कई एक्टर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और उन्हीं एक्टर्स में से एक हैं सीआईडी के सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत यानी आदित्य श्रीवास्तव। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। एक लाजवाब एक्टर जिसे उसके द्वारा निभाए किरदारों की वजह से दर्शक नफरत करते करते कब अपने दिल में जगह दे देते हैं या खुद उन्हें भी नहीं पता चलता। थिएटर, टेलीविजन और फिल्म तीनों ही फील्ड में अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ देने वाले एक्टर आदित्य श्रीवास्तव बेशक आज टीवी शो सीआईडी के किरदार के लिए घर घर में पसंद किए जाते हैं, लेकिन कभी इन्हीं दर्शकों ने उनके द्वारा निभाए किरदार को जी भर गालियां और बददुआएं भी दी हैं। आदित्य के इस शानदार अभिनय के सफर की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर उनके शुरुआती जीवन पर डाल लेते हैं, जो बेहद ही दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश की आध्यात्म नगरी प्रयागराज के एक बैंक कर्मी के घर 21 जुलाई 1968 को जन्मे आदित्य श्रीवास्तव अपने पिता डीएन श्रीवास्तव का तबादला होने से अपनी शुरुआती पढ़ाई प्रयागराज से करने के बाद आगे की पढ़ाई एमजीएस इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से किया। बाद में आदित्य ने प्रयागराज वापस आकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपना स्नातक किया। पढ़ाई करने के दौरान ही आदित्य को नाटकों में रुचि हो गई और वे कॉलेज के अलावा प्रयाग के ही संगीत समिति से जुड़ गए और थिएटर करने लगे। नाटकों में एक्टिंग का उनका यह शौक जुनून में बदल गया और उन्होंने एक दिन सोच लिया कि इसी को प्रोफेशन बनाना है। हालांकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि एक्टिंग फील्ड में अगर कुछ बड़ा करना है तो उन्हें प्रयागराज से बाहर निकलना होगा। बस फिर क्या था, एक दिन बोरिया बिस्तर बांधा और दिल्ली निकल आए। वर्ष 1989 में दिल्ली आने के बाद आदित्य ने प्रोफेशनल थिएटर से जुड़ने की कोशिश की और श्रीराम सेंटर से जुड़ने में सफल भी हो गए। थिएटर के दौरान ही उन्हें दूरदर्शन के कुछ धारावाहिकों में भी एक्टिंग करने के मौके मिले, जिनमें डेरा, शेष प्रश्न और ब्योमकेश बख्शी आदि नाम प्रमुख हैं। इसी दौरान शेखर कपूर जी की नजर उन पर पड़ी, जो उन दिनों अपनी फिल्म बैंडेड क्वीन की तैयारी में जुटे थे। उन्होंने आदित्य को इस फिल्म में फूलन देवी के निर्दयी पति पुत्तीलाल के किरदार के लिए साइन कर लिया। वर्ष 1994 में रिलीज हुई इस फिल्म में आदित्य द्वारा निभाया किरदार बेहद ही घिनौने आदमी का था, जिसे उन्होंने अपनी नेचुरल एक्टिंग से कुछ इस तरह जीवंत किया कि लोग आज भी जब उस किरदार की चर्चा करते हैं तो उसे गालियां ही देते हैं। बहरहाल इस फिल्म की रिलीज के बाद वर्ष 1995 में आदित्य मुंबई शिफ्ट हो गए। इस फिल्म के बाद उन्हें गोविंद निहलानी के संशोधन और 1084 की माँ जैसी कुछ फिल्मों में छोटे छोटे किरदार मिले। इसी दौरान आदित्य ने रिश्ते, नया दौर, ये शादी नहीं हो सकती, आहट, 9 मालाबार हिल्स और स्टार बेस्ट सेलर जैसे कुछ टीवी शोज के साथ साथ बतौर वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी काम किया। हालांकि मुंबई में गुजारे के लिए किए इन कामों से उनके भीतर के कलाकार को संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी, इसीलिए वर्ष 1997 में उन्होंने टीवी से ब्रेक लिया और पूरा ध्यान फिल्मों पर लगाना शुरू कर दिया। इसी दौरान उन्हें मौका मिला राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या में, जो कि एक बेहद सफल फिल्म साबित हुई। वर्ष 1998 में रिलीज सत्या की सफलता से आदित्य को भी बहुत फायदा हुआ। हालांकि आदित्य को कई फिल्मों के ऑफर तो मिले, लेकिन उन्होंने उनमें से कुछ ही फिल्में साइन की, क्योंकि उनमें से ज्यादातर एक जैसे ही किरदार थे और आदित्य किसी खास इमेज से खुद को बांधना नहीं चाहते थे। बहरहाल 1998 में ही उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई और वो थी मणिरत्नम की फिल्म दिल से। इस फिल्म में आदित्य ने एक आतंकवादी का किरदार निभाया था। इसी बीच फिल्म सत्या में आदित्य के काम को देखते हुए निर्माता निर्देशक बीपी सिंह ने उन्हें अपने नए नए शुरू हुए टीवी शो सीआईडी में काम करने का ऑफर दिया, जिसे आदित्य ने शर्त के साथ स्वीकार किया कि वे महज 26 एपिसोड ही करेंगे और उन्हें अपनी मर्जी से सेट पर आने जाने की सहूलियत भी मिलेगी। दरअसल ऐसी शर्त के पीछे वजह ये थी कि उसी दौरान आदित्य फिल्म सत्या के राइटर अनुराग कश्यप की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म 5 की शूटिंग भी कर रहे थे। हालांकि बेहद खून खराबे से भरी यह फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा काट छाट के आदेश के बाद भारत में कभी रिलीज नहीं हो पाई। बहरहाल 1999 में आदित्य सोनी टीवी के शो सीआईडी में पहली बार 39वें एपिसोड में नजर आए। हालांकि शो की शुरुआत उन्होंने एक क्रिमिनल के रोल से की थी, लेकिन उनके काम को देखते हुए बाद में उन्हें इंस्पेक्टर अभिजीत का रोल दे दिया गया, जिसे आखिरी एपिसोड तक वे निभाते रहे। दोस्तों, कम लोगों को ही पता होगा कि सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक चलने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल इस टीवी
शो का एक रिकॉर्ड आदित्य के नाम भी है और वो रिकॉर्ड है सीआईडी के द इनहेरिटेंस नामक एपिसोड के सबसे लंबे दृश्य का, जिसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया जा चुका है। फिल्मों की बात करें तो आदित्य ने चुनिंदा मगर दमदार भूमिकाएं निभाई हैं। उनकी फिल्मों में दिल पे मत ले यार, साथिया, एक हसीना थी, लक्ष्य, ब्लैक फ्राइडे, गुलाल, कालो, जूली 2, सुपर 30 और रात अकेली है जैसी दर्जन भर से ज्यादा फिल्में शामिल हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि अनुराग कश्यप की फिल्म ब्लैक फ्राइडे में आदित्य द्वारा निभाया बादशाह खान का किरदार नसीरुद्दीन शाह के लिए लिखा गया था, जिसे उन्होंने करने से मना कर दिया। इसके बाद इस किरदार के लिए इरफान खान से बात की गई, उन्होंने भी इस किरदार को करने से मना कर दिया और तब जाकर यह किरदार आदित्य को दिया गया, जो पहले उस फिल्म में कोई और किरदार निभाने वाले थे। एक और बेहद दिलचस्प किस्सा है जो जुड़ा है हंसल मेहता की फिल्म दिल पे मत ले यार से। इस किस्से से हमें यह पता चलता है कि आदित्य एक बेहतरीन एक्टर होने के साथ साथ एक दिलदार इंसान भी हैं। दरअसल इस फिल्म में लीड रोल के लिए पहली पसंद मनोज बाजपेयी थे, लेकिन मनोज ने यह कहकर मना कर दिया कि वह हंसल को सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन किसी बड़ी फिल्म में। इसके बाद आदित्य को फिल्म में लीड रोल के लिए चुना गया, लेकिन समस्या ये थी कि मनोज के फिल्म से पीछे हटने की वजह से प्रोड्यूसर्स भी पीछे हट गए और बाद में किसी तरह मनोज बाजपेयी फिर वापस आ गए और आदित्य को फिल्म में सेकंड लीड रोल दे दिया गया, जिसे आदित्य ने स्वीकार भी कर लिया। फिल्म शुरू तो हो गई, लेकिन इसके बनने में देरी होने से अब पैसों की समस्या शुरू हो गई। ऐसे में आगे आए आदित्य और फिल्म में काम कर रही एक असिस्टेंट डायरेक्टर, दोनों ने अपनी पूरी जमा पूंजी फिल्म में लगा दी और किसी तरह यह फिल्म पूरी हुई। बात अगर आदित्य के लीड रोल की फिल्मों की करें तो वह फिल्में हैं दिल से पूछ किधर जाना है और कालो। फिल्म कालो को इंडिया की पहली डे बेस्ड हॉरर फिल्म यानी दिन में घटने वाली भूता फिल्म का दर्जा दिया गया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक हादसा भी हुआ था। दरअसल यह घटना तब घटी जब क्रू मेंबर्स एक बस से फिल्म की शूटिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन लोकेशन पर पहुंचने से पहले ही बस पलट गई और बस में सवार सभी लोग घायल हो गए। इस हादसे में आदित्य को भी काफी चोट पहुंची थी। बहरहाल ढेरों किरदार निभाने के बाद भी आदित्य को आज भी लोग उनके सीआईडी के किरदार अभिजीत के नाम से ही पहचानते हैं। लगभग 22 वर्षों तक चले टीवी शो सीआईडी के बंद होने के बाद सीआईडी से प्रेरित होकर सीआईएफ नामक एक शो बनाया गया और उसमें भी आदित्य एक इंस्पेक्टर के किरदार में ही नजर आए। दोस्तों, थिएटर से फिल्मों और टेलीविजन की दुनिया में आए आदित्य एक बेहतरीन गायक भी हैं, जिसका उदाहरण सीआईडी के एक एपिसोड में देखने को मिला था, जिसमें आदित्य श्रीवास्तव और उनके साथी एक लोरी गा रहे होते हैं। आदित्य ने हिंदी फिल्मों के अलावा वर्ष 2006 में आई तमिल फिल्म नलाई में भी काम किया है। साथ ही वे समय समय पर विभिन्न टीवी शोज में बतौर गेस्ट और कैमियो रोल्स में नजर आते ही रहते हैं। बात करें आदित्य श्रीवास्तव के निजी जीवन की तो उनकी पत्नी का नाम मानसी श्रीवास्तव है और उनकी दो बेटियां भी हैं, जिनका नाम है आरुषि और अदिति। आदित्य के छोटे भाई का नाम आशुतोष श्रीवास्तव है, जो बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। पूर्ण कथा सिया राम की सुनाने, गाथा महाभारत के महासंग्राम की गाने, अनेकों पावन पौराणिक कथाओं का लेके उपहार नारा टीवी आ रहा है आपके द्वार। नारद टीवी प्रस्तुत करता है नारद वाणी, सनातन धर्म की अनेकों अद्भुत गाथाओं और जानकारियों से भरपूर अनूठा मंच। तो अभी सब्सक्राइब करें नारद वाणी यूट्यूब चैनल को।